सो हे गाइस, दिस इज साइबरिशी बैक हियर विद न्यू वीडियो और पैराट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स की ये 6th वीडियो है, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे ग्राफिक पैनल के अंदर ये सारे टूल्स और ऑप्शंस के बारे में। सो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने बात करी थी एनॉन सर्फ के बारे में, फिर हमने बात करी थी क्रिप्टोग्राफी के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको उसके अंदर मिलेगी। और शायद ही पूरे यूट्यूब पे पैराट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स किसी ने अपलोड किए होंगे, और जिस तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूँ हर एक टूल के बारे में और बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग चल रहे हैं, तो शायद ही किसी ने बनाया होगा। सो अगर आपको ये सब सीखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने एक अपनी प्लेलिस्ट जाके बना रखी है। सो आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी, और पैराट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और चलिए करते हैं हम इसको स्टार्ट। सो हमने क्रिप्टोग्राफी के बारे में तो बात कर ली थी, उसके बाद आ जाता है हमारा एजुकेशन। सो एजुकेशन को अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर है लिब्रा ऑफिस मैथ, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि यहाँ पे भी है। सो ये ऑफिस का अलग पार्ट है तो हम इसको अलग से बात करेंगे। फिर आ जाता है हमारा गेम्स। सो एक्सबोर्ड मतलब एक चेस का गेम आपको इसके अंदर मिलेगा, तो इसके बारे में भी बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और मूव कर लेते हैं हम लोग मेन अपना जो ग्राफिक्स के बारे में था उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे आई ऑफ मेट इमेज व्यूअर। सो ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक इमेज व्यूअर है जिसके अंदर हम नॉर्मल अपनी इमेजेस को देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। सो इसको पढ़ के हमारे मन में क्या आता है कि इसके साथ हम इमेज से छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके यूज़ करके। सो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब पता लगता है कि हमें ये क्या है। सो ये है GIMP 2.10। सो जिन लोगों को नहीं पता कि GIMP क्या है तो मैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ। सो जिन लोगों ने विंडो यूज़ करी है उनको पता होगा कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम होता है फोटोशॉप, जो कि ऑब्वियसली पेड होता है। और भी कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके साथ हम इमेजेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बेसिकली इमेज एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो। सो पैराट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स के अंदर हमें मिलता है ये GIMP, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। और फीचर्स की अगर हम बात करें सो दोनों के फीचर्स काफ़ी हद तक सेम है। जो काम हम फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं वो हम GIMP के अंदर भी कर सकते हैं। सो ये पैराट ऑपरेटिंग सिस्टम का और लिनक्स का एक प्लस पॉइंट है कि हमें इसके अंदर एक इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं इमेज एडिटर, फोटो एडिटर का सॉफ्टवेयर फ्री में ही मिल जाता है। अगर आपको इसके ट्यूटोरियल्स चाहिए तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको अभी हम लोग कर देते हैं यहाँ से क्लोज। सो मूव करते हैं हम थर्ड के ऊपर, जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। सो बेसिकली हम इसके अंदर ड्राइंग बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर हम करके देखें तो हम इसके अंदर एरो बना लेंगे और सर्कल्स, अलग अलग तरीके की शेप्स हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं हम, पेज के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में बताने के लिए, अगर आपको यूज़ करना है तो खुद आप जाके सीख सकते हैं, और इसके ट्यूटोरियल्स भी आई थिंक मिल जाएंगे, गूगल पे तो मिल ही जाएंगे, और अगर आप खुद से यूज़ करके देखेंगे तो सीख जाएंगे। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे अभी डोंट सेव। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ के ऊपर, जो है मेट कलर सिलेक्शन, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जिसका ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। और हम लोग आ जाते हैं अपने शॉर्ट वेल के ऊपर। सो ये है एक डिजिटल फोटो मैनेजर, और इसकी मदद से हम लोग डायरेक्ट अपनी इमेजेस कैमरे से और मोबाइल से इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। हम अपनी इमेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसकी मदद से, और साथ के साथ उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। सो ये जो मेरे डेस्कटॉप पे ये सारी इमेजेस थी, ये जो मीम्स थे, ये मैंने इसीलिए इसके अंदर डाले थे, और अब हम उसका यूज़ करके देखते हैं। तो मैं दोबारा से इसको खोल लेता हूँ, शॉर्ट वेल मैंने खोल लिया। सो ये तीन इमेजेस इसके अंदर आ गई। सो अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ फाइल्स पे जाएंगे और इंपोर्ट फ्रॉम फोल्डर कर सकते हैं, और इंपोर्ट फ्रॉम एप्लीकेशन का भी ऑप्शन वहाँ पे आया था। उसके बाद जहाँ पे हमारी इमेजेस हैं हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको भी तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। सो ये कुछ इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं। सो हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट, मतलब एक तरीके से ये भी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करना ही हो गया, उसको ऑटो एनहेंस करना, एडजस्ट करना, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। सो यही था इस पूरे ग्राफिक्स के अंदर जो हमें सारे ऑप्शंस मिलते हैं उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू बोल सकते हैं, छोटी सी उनके बारे में डिटेल मैंने बता दी आपको। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में सो आप खुद से जाके एक बार रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी अगर हो सकता है तो कोई वीडियो मिल जाए तो मिल जाए, बट जहाँ तक मेरे को पता है कि इन सब के बारे में डिटेल वीडियो नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब के ऊपर। सो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था ग्राफिक्स के बारे में, जो भी चीज़ें थी, और मैंने इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको नहीं बताया, बस एक ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि ये सब क्या है, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम इनका है नहीं। अगर हम बात करें कि डिटेल वीडियो की, अगर हम बात करें जो मैं बनाऊंगा, तो वो बनाऊंगा मैं इनके ऊपर, जो है पेन टेस्टिंग के टूल्स,
इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, जिनके अंदर हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ये जो जितने भी टूल्स थे और जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, ये बस एक तरीके से नॉलेज लेना था हमें, थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये बनाया था। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में, सारी चीज़ें मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी इसके बारे में, हम सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। सो ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि यूट्यूब पे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स कोई ज़्यादा अपलोड नहीं है। मैंने देखे हैं, मैंने चेक करें, इसी वजह से मैं पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, वही सब बात है। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।